नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके सामने फिर से बड़ा ही आसान और जल्दी से बन जाने वाला निटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ, जिसे आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बनकर बड़ा ही प्यारा आता है। तो इसके लिए हमने कोई भी नंबर ऑफ स्टिचेस ले लेने हैं। आड़ और इवन का कोई भी इसमें वो नहीं है, आप एक एक स्टिच के ऊपर इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो वूल यहाँ पर मैंने डबल करके ली है, क्योंकि ये मोटी ऊन अगर होगी तो उसके ऊपर ये डिज़ाइन अच्छा सा उभर कर आएगा। तो सैंपल के लिए यहाँ पे मैंने 10 फंदे ले लिए हैं। 8 फंदों का हम डिज़ाइन बनाएंगे और 2 फंदे मैंने एजिंग के लिए लेफ्ट और राइट साइड ले लिए हैं। तो देखें, आपने बॉर्डर के बाद जो है फर्स्ट रो बनानी है, तो वो पहला फंदा जो है बिना बुने हुए हमने उतारना है और अगले जो फंदे हैं वो हमने सीधे बुनने हैं। तो ये पैटर्न की हमारी फर्स्ट रो है, जो हमने सभी फंदे सीधे बुनते हुए कंप्लीट करनी है। रॉन्ग साइड आ गई हमारी। रॉन्ग साइड हमने सारे फंदे जो हैं वो उल्टे बुनने हैं, और ये हमारी पैटर्न की सेकंड रो है। रॉन्ग साइड सारे फंदे उल्टे बुनेंगे। ये देखिए, अब हमारी थर्ड रो आ गई। तीसरी सिलाई में हमने देखिए किस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे। तीसरी सिलाई पे पहला हमने एजिंग का फंदा उतारा, अब अगला फंदा जो है हमारा, ये देखें, इसको हम जैसे सीधा बुनते हैं वैसे ही बुनेंगे, पर नीचे नहीं छोड़ेंगे, इस तरह से लूप ले लेंगे। अब इसके बाद देखें, दो सिलाई हमने बुनी है ना, एक सीधी और एक उल्टी। तो यहाँ पर हमारे, ये देखें, इस तरह से एक और दो, इस तरह से हमने नीचे जाके, दो सिलाई नीचे जाके हमने इसमें से एक लूप खींचनी है। ये देखें, इस तरह से शेद इसमें दिखता है, एक और ये दो, यहाँ से हमने सिलाई डाल के लूप खींचनी है। इस तरह से सिलाई को डाला और इस तरह से हमने एक लूप यहाँ से खींच ली। तो ये देखें, हमारी सिलाई पे दो फंदे बन गए। फिर उसी फंदे को हमने एक बार सीधा बुन लिया, तो ये एक के तीन फंदे यहाँ पर हमने कुछ इस तरह से किए। आप फिर से देखिएगा, एक बार सीधा बुना, फिर दो सिलाई नीचे से हमने इस तरह से सिलाई डाल के लूप खींची और उसी फंदे को हमने फिर से सीधा बुन के छोड़ दिया। तो इस तरह से हमने एक के तीन फंदे करते हुए अपने सारे फंदे बुन लेने हैं थर्ड रो के। इसी तरह से हमने एक फंदे को तीन फंदे करते हुए अपने पैटर्न की थर्ड रो को कंप्लीट कर लिया। ये देखें, इस तरह से इसकी लुक आना शुरू हो गई। अब आ गई हमारी रॉन्ग साइड फोर्थ रो। फोर्थ रो में हम इस डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा किस तरह से हम करना है। पहला हमने एजिंग का फंदा ऐसे बिना बुने उतार लिया। अब जो हमारे पास अगले तीन फंदे थे, जो हमने एक के तीन फंदे राइट साइड में किए थे,
तो उनको हमने तीनों फंदों को पहले एक एक करके उल्टा बुन लिया। ये देखें, एक को छोड़ के तीन फंदे उल्टे बुन लिए। अब इनको हमने तीनों फंदों को लेफ़्ट वाली सिलाई के ऊपर इस तरह से उतार लेना है, यूं करके। अब धागे को पिछली तरफ ले जाएंगे, क्योंकि हमने ये तीनों फंदे हैं जो, इनको हमने इकट्ठा करके इनका एक सीधा फंदा बनाना है। तीनों फंदों का हमने इस तरह से एक सीधा फंदा निकालना है यहाँ से, ये देखें। और इन तीनों फंदों को अब हम नीचे छोड़ देंगे और धागे को अपनी तरफ करके फिर अगले तीन फंदे जो हैं उनको हम उल्टा बुनेंगे एक एक करके। ये देखें, एक उल्टा बुना, फिर अगला उल्टा बुना, दो हो गए और ये तीन उल्टे बुन लिए। इनको हमने फिर से सीधा बुनना है, इसलिए हम इन तीनों फंदों को लेफ़्ट वाली तरफ उतार रहे हैं, सिलाई पे चढ़ा रहे हैं, और धागे को पीछे करके इन तीनों को इकट्ठा लेके हमने एक फंदा इसका सीधा बना लेना है, यूं करके। और छोड़ देंगे फंदे सारे और धागे को फिर पीछे वाली तरफ ले आएंगे। इसी तरह से हमने ये डिज़ाइन को रिपीट करते हुए जाना है। इस सिलाई में तीन का फंदों का हमने एक फंदा किस तरह से करना है, तो बस ये देखें, इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बनता जाएगा। ये देखिए, हमारी फोर्थ रो भी पैटर्न की कंप्लीट हो गई। तो ये बेसिकली दो ही सिलाइयों का डिज़ाइन है, पर इसको स्टार्ट करने से पहले, बॉर्डर के बाद आपने पहले एक सीधी और एक उल्टी सिलाई ज़रूर बुननी है, क्योंकि हमने दो सिलाई नीचे से हमने एक लूप खींचनी होती है इस पैटर्न के लिए। तो अगर आप कुछ और पर प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसमें बॉर्डर नहीं बनेगा, तब भी आपने इसी तरह से सीधे पहले एक सीधी सिलाई और एक उल्टी सिलाई बुन लेनी है, और उसके बाद तीसरी सिलाई से इस डिज़ाइन को बनाना है और चौथी सिलाई में इसको कंप्लीट कर देना है। तो ये देखें, अब जो फिफ्थ रो आ गई, फिफ्थ रो हमने सारे फंदे सीधे बुनने हैं, क्योंकि हमने ये फिर से फर्स्ट और सेकंड रो जैसे बनाई थी सीधी और उल्टी, वैसे ही बनानी है। एक सीधी सिलाई बुननी है, फिर उल्टी सिलाई बुननी है, और फिर उसके बाद हमने थर्ड रो से फिर से डिज़ाइन को बुना लेना है। तो इस तरह से देखिए, अब ये कंप्लीट लुक इसकी दिखना शुरू हो जाएगी जब हम इसकी उल्टी सिलाई भी बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह से इसकी लुक आ गई, कितना प्यारा ये उभरा उभरा सा डिज़ाइन बनकर आता है। ये देखिए इसकी कितनी प्यारी लुक है, सिर्फ हमने दो ही सिलाइयाँ बनाई हैं डिज़ाइन की, और देखें कितनी प्यारी इसकी लुक आना शुरू हो गई है। अब दो सिलाइयाँ हमने सीधी और उल्टी भी जैसे बना ली, अब इसके ऊपर फिर से हमने ये डिज़ाइन को रिपीट कर लेना है। एक का तीन फंदे करने हैं और उल्टी सिलाई में उन तीनों फंदों को फिर से एक बना लेना है। ये देखें, ये देखें, मैंने ये पीले रंग पे बनाया है इस डिज़ाइन को, कितना प्यारा लग रहा है। इसकी लुक देखिए कितनी प्यारी बनकर आई है।
बीच में ऊपर सा डिज़ाइन बनकर आता है और साथ में जाली वाला डिज़ाइन बनता जाता है। और पीछे से देखें बैक साइड से भी कितने प्यारा ये लुक इसकी लग रही है। अगर आप इस डिज़ाइन में शॉल बनाएंगे तो बड़ा ही प्यारा आएगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट दोनों तरफ से एक ही जैसी इसकी लुक आती है। अगर आप कार्डिगन बनाएंगे तब भी बड़ा प्यारा बनकर आएगा। आप इसको किसी भी अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बच्चों के स्वेटर बनाइए, बड़ों के स्वेटर बनाइए, कैप्स बनाइए, कार्डिगन्स बनाइए, शॉल बनाइए, मफलर बनाइए। मफलर पे भी बड़ा अच्छा आएगा, क्योंकि ये दोनों तरफ से एक जैसा है तो इतना वो नहीं लगेगा कि आप किसी भी तरफ से मफलर को भी ले सकते हैं, शॉल को भी ले सकते हैं, अगर आप इस डिज़ाइन में उसको बनाएंगे। तो ये देखें किस तरह से ये उभरा हुआ इतना प्यारा डिज़ाइन बनकर आया है। और सिर्फ हमने ये दो सिलाइयों में ही डिज़ाइन को बनाया है, दो सिलाइयाँ तो हमारी सीधी और उल्टी की थी। तो ये देखें इस तरह से साथ में जाली बनती जाती है और साथ में ये डिज़ाइन बनकर आता जाता है। तो आप इसको अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।